Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome to my channel Psychology Facts by Lara. So viewers, under psychoanalytical theory, we are going to discuss defense mechanisms by Sigmund Freud. So viewers, under psychoanalytical theory, we are done with the life of Freud, instincts, the levels of personality, the structure of personality, anxiety, a threat to the ego, and today we are going to discuss defenses against anxiety, that means defense mechanisms by Sigmund Freud. And the last video would be on psychosexual stages of development, and I hope you all have gained more grip over this theory. And after this psychoanalytical theory, we will move to the next one. So you have to subscribe the channel and hit the bell icon so that you can get latest updates about my upcoming videos. Now let's move towards the topic. Defenses against anxiety. Students, हमने last video में types of anxiety और role of anxiety को detail में discuss किया था कि क्या role होता है anxiety का. Basically, ego जो है वो mediating factor कहलाती है, bridge कहलाती है between id and superego, along with focusing on the social restraints, वो हमारे needs की fulfillment पर, needs की gratification पर काम करती है. नॉर्मली तो ऐसा ही होता है कि वो इड की डिमांड्स, सुपर ईगो की कमांड्स और सोशल रिस्ट्रेंट्स को देखते हुए हमारी नीड्स पर काम करती है, लेकिन बहुत सी सिचुएशंस में ईगो जब कोप अप नहीं कर सक रही होती इन तीनों की डिमांड्स को, प्रॉपरली वो ओवरथ्रोन हो जाती है. इस सिचुएशन में एनजाइटी क्रिएट होती है. अब ईगो अपने आप को बचाने के लिए डिफरेंट डिफेंसेस का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है, जो कि अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड नॉन रैशनल होती हैं. डिफेंसेस बेसिकली नॉन रैशनल होते हैं, इरेशनल होते हैं, और ये इंसान को, इंसान के सामने या एक ह्यूमन के सामने डिस्टॉर्टेड इमेज रखती है अबाउट वर्ल्ड, अबाउट आवर सेल्व्स. अकॉर्डिंग टू फ्रॉयड, डिफेंस मैकेनिज्म्स आर द स्ट्रेटजीज दैट ईगो यूजेस टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट एंजाइटी प्रोवोक्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ एवरीडे लाइफ. वही बात जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि डिफेंस मैकेनिज्म्स जो हैं वो ईगो इस्तेमाल करती है ताकि वो अपने आप को एंजाइटी के अगेंस्ट डिफेंड कर सके, और ये बेसिकली डेली लाइफ के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से ऐसा होता है. और डिफेंस मैकेनिज्म्स हमेशा, याद रखिएगा, इरेशनल होते हैं और ये अनकॉन्शियसली ऑपरेट करते हैं. यानी कि हमारे हमारे सामने एक जो इमेज आता है किसी भी सिचुएशन का, किसी भी कॉन्सिक्वेंस का, इंसिडेंट का, वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आता है, जिसको एक्सेप्ट करके एक इंसान जो है वो थोड़े टाइम के लिए मुतमइन हो जाता है और एंजाइटी को अवॉइड करता है. फ्रॉइड पोस्टुलेटेड सेवरल डिफेंस मैकेनिज्म्स एंड ही नोटेड वी रेयरली यूज जस्ट वन. फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली डिफेंस मैकेनिज्म्स जो है वो इंसान इस्तेमाल कर ही रहा होता है, क्योंकि ये जो बैटल है बिटवीन इट, ईगो एंड सुपर ईगो एंड फोकसिंग ऑन सोशल रिस्ट्रेंट, सोशल टैबूज, ये थ्रू आउट द लाइफ हमारी कंटिन्यू रहती है. और एक ईगो का काम होता है कि इसको अंडर फोकसिंग ऑन ऑल द लिमिटेशंस, अंडर ऑल द सर्कमस्टेंसेस, सेटिस्फेक्शन जो है वो प्रोवाइड करे. और जब इस तरह से पॉसिबल नहीं होता तो डिफेंसेस इस्तेमाल करती है. और फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली हम एट वन टाइम हम सेवरल डिफेंस मैकेनिज्म्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और थ्रू आउट द लाइफ फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली ये बैटल जो है वो चलती रहती है. इंटेंसिटी जो है वो वेरी करती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है, लेकिन कभी भी सीज नहीं होती. यानी हम बहुत सी सिचुएशंस में डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड. सो फ्रॉइड हैज़ रिप्रेजेंटेड 8 टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म्स, जिसमें नंबर 1 पे है रिप्रेशन, नंबर 2 डिनाइल, नंबर 3 रिएक्शन फॉर्मेशन, नंबर 4 प्रोजेक्शन, नंबर 5 रिग्रेशन, नंबर 6 रैशनलाइजेशन, 7th डिस्प्लेसमेंट एंड 8 इज सब्लिमेशन. हम वन बाय वन इन डिफेंसेस को डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल्स. सो द नंबर 1 इज रिप्रेशन. रिप्रेशन इज अनकॉन्शियस टाइप ऑफ फॉरगेटिंग. It is unconscious type of forgetting of the existence of something that brings us pain or discomfort. Repression is defined as unconscious removal of something from conscious awareness. Simply समझाती जाऊँ, repression basically unconscious type of forgetting है, जिसमें person unconsciously किसी particular event, traumatic event or experience को
भूल जाता है, क्योंकि अगर वो कॉन्शियस लेवल पर आएंगी तो वो पेन और डिस्कम्फर्ट देंगी। और फ्रॉइड के अकॉर्डिंगली सबसे फंडामेंटल, सबसे फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाला डिफेंस मैकेनिज्म रिप्रेशन है। और इसके अकॉर्डिंगली जब भी कोई ट्रोमेटिक एक्सपीरियंसेस हम फेस करते हैं, वो बेशक वो पास्ट ईयर्स में हो, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम एक पर्सन उन उसके बारे में डिस्कशंस नहीं करता, और अनकॉन्शियसली वो सारी की सारी मेमोरीज जो होती हैं उस पर्टिकुलर इवेंट से रिलेटेड उनको रिप्रेस कर रहा होता है। इसमें हम एग्जांपल देखते हैं, एक एडल्ट जो है वो अपनी चाइल्डहुड सेक्सुअल अब्यूज, चाइल्डहुड में जो सेक्सुअल अब्यूज होता है उससे रिलेटेड ट्रॉमेटिक मेमोरीज को रिप्रेस कर रहा होता है अनकॉन्शियसली, ताकि डिस्कम्फर्ट और पेन को अवॉइड कर सके। नंबर टू पे है डिनाइल। इट इज रिलेटेड टू रिप्रेशन। ये रिप्रेशन से रिलेटेड है, बट इट इन्वॉल्व्स अनकॉन्शियसली डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ सम एक्सटर्नल थ्रेट। इसमें पर्सन अनकॉन्शियसली डिनाई कर रहा होता है एक्सटर्नल थ्रेट और ट्रॉमेटिक इवेंट दैट हैज अकर्ड, कि जो भी इर्द गिर्द जो उसके इन्वायरमेंट में या सराउंडिंग में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ है उसको एक्सेप्ट करना से इनकार कर रहा होता है। लेट्स अज्यूम, यहाँ पे एग्जाम्पल है, अ डॉटर इज डिनाइंग द डेथ ऑफ हिज मदर, इवन हर मदर डेड बॉडी इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ हर। यानी कि ऐसी सिचुएशंस हमने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हमारे पास बहुत सी हैं, कि जब भी नियर वन की डेथ होती है तो यूजुअली जो क्लोज होते हैं पेरेंट्स या फिर डॉटर या सन, वो डिनाई कर रहे होते हैं डेथ को, कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मदर नहीं जा सकती इस दुनिया से, एक्सेट्रा। सो इस सिचुएशन में हम देख सकते हैं कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर सक रहे होते और वो डिनाइल की सिचुएशन में चले जाते हैं। सो वी कैन से दैट इन दैट पर्टिकुलर केस वो डिनाइल डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि रियलिटी बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती है। उस ट्रॉमेटिक इवेंट की जो मेमोरीज होती हैं और जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। इसकी वजह से पर्सन डिनाइल के फेज में चला जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अ पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड डिनाई हिज डेथ एंड कीप देयर सन्स रूम अनचेंज्ड। यानी कि पेरेंट्स समटाइम्स अपने चाइल्ड की डेथ को डिनाई कर रहे होते हैं और उसके रूम को भी अनचेंज रखते हैं, बिकॉज दे थिंक दैट देयर सन इज अलाइव। अब इस सिचुएशन में, दोनों कंडीशंस में हमें देखा कि पर्सन जो है वो डिनाइल की स्टेट में चले जाते हैं, उस ट्रोमेटिक इवेंट को फेस नहीं करना चाह रहे होते, और ये थोड़े टाइम के लिए होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सीड करता है, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए एक पर्सन डिनाइल में रहता है, तो ऑब्वियसली वो नॉर्मेलिटी से हट जाता है और वो रियलिटी को फेस नहीं कर सक रहा था। तो बेहतर यही होता है कि जल्द अज जल्द उस पर्सन को इस स्टेट से निकाला जाए और उसको रियलिटी में ले के आया जाए, उसको एक्सेप्ट कराया जाए कि क्या ट्रोमेटिक एक्सपीरियंस था और उसके रिजल्ट्स क्या हैं और किस तरह से आगे मूव ऑन करना है। द नेक्स्ट इज रिएक्शन फॉर्मेशन। इट इन्वॉल्व एक्सप्रेसिंग द एयर इम्पल्स दैट इज ऑपोजिट ऑफ द वन दैट इज ट्रूली ड्राइविंग अ पर्सन। यानी एक पर्सन अपने बिहेवियर, अपनी सोच से ऑपोजिट बिहेवियर जब शो करता है तो वो रिएक्शन फॉर्मेशन कहलाता है। यानी उसकी ओरिजिनल जो इम्पल्सेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होती हैं, तो पर्सन क्या करता है, उसका ऑपोजिट अडॉप्ट कर लेता है। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, गिविंग वार्म वेलकम टू अनवांटेड गेस्ट, कि आप एक पर्सन जो है वो अनवांटेड गेस्ट को अच्छे से वेलकम करता है। एन एग्रेसिव पर्सन शोज काम बिहेवियर और बिकम ओवरली पॉजिटिव। एक एग्रेसिव पर्सन जो है वो ओवरली पॉजिटिव जब बिहेवियर शो करेगा तो हम कहेंगे दिस इज रिएक्शन फॉर्मेशन। एंड ट्रीटिंग सम वन यू स्ट्रांगली डिसलाइक इन एन एक्सेसिवली फ्रेंडली मैनर इन ऑर्डर टू हाइड योर ट्रू फीलिंग्स, कि आप किसी ऐसे पर्सन को जिसको आप बहुत ज़्यादा डिसलाइक करते हो, लेकिन आप एक्सेसिवली फ्रेंडली मैनर पे उसको ट्रीट करते हो ताकि अपनी ट्रू फीलिंग्स हाइड कर सको, ये भी रिएक्शन फॉर्मेशन में आता है। द नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। नाम से इंडिकेट हो रहा है, पर्सन जब अपनी थॉट्स, अपनी नेगेटिव इम्पल्सेस, अपनी डिस्टर्बिंग इम्पल्सेस किसी दूसरे पे प्रोजेक्ट करता है, किसी दूसरे को एट्रिब्यूट करता है, कि नहीं ये मैं नहीं कह रहा, ये दूसरा बंदा मेरे बारे में ऐसा कहता है। फॉर एग्जाम्पल, बिलाल सेज आई डोंट हेट हिम, ही हेट्स मी। अब अपनी थॉट्स
दूसरे पे प्रोजेक्ट करना क्या कहलाएगा? प्रोजेक्शन कहलाएगा. ही इज प्रोजेक्टिंग हिज थॉट्स ऑन हिज फ्रेंड. क्योंकि टू डिसलाइक समवन, टू हेट समवन, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द सुपर ईगो. और इसी तरह बहुत सी सिचुएशंस में मॉरल वैल्यूज सामने आ जाती हैं. तो इस सिचुएशन में पर्सन दूसरे पे प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है कि नो दैट सेकेंड पर्सन इज नॉट लाइकिंग मी और ही डजेंट लाइक मी, दैट्स वाई आई डोंट लाइक दैट पर्सन. सो इस सिचुएशन में यू आर प्रोजेक्टिंग योर नेगेटिव इम्पल्सिस, योर अनएक्सेप्टेबल थिंकिंग और डिस्टर्बिंग इम्पल्सिस टू समवन एल्स. And the next is regression. It involves reverting to earlier, less frustrating period of life and displaying the childish behaviors characteristics of that more secure time. यानी एक person regress कर जाता है, revert कर जाता है जब present moment में वो चीज़ों को face नहीं कर सक रहा होता, वो traumatic experience face करता है या फिर वो कोई भी loss face करता है, along with कह सकते हैं हम कि उसने कोई नियर वन की डेथ को एक्सपीरियंस किया है. अब इस सिचुएशन में क्योंकि फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा है, एनजाइटी ज़्यादा है और प्रेजेंट जो कंडीशन चल रही है वो अनबियरेबल है, तो पर्सन रिवर्ट कर जाता है ऐसी टाइम की तरफ जो कि लेस फ्रस्ट्रेटिंग होता है, ज़्यादा काम होता है और उसके साथ साथ पर्सन चाइल्डिश बिहेवियर्स भी शुरू कर देता है. इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, एक एडल्ट जब अपने पेरेंट की डेथ पर दोबारा से एज अ यंगर एक्ट करना शुरू कर देता है, इसके साथ साथ ही स्टार्ट बेड वेटिंग और सकिंग हिज थंब. सो ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो फॉर्म ऑफ रिग्रेशन कहलाएंगी, बिकॉज ही हैज रिग्रेस टू द दैट स्टेज ऑफ लाइफ जहाँ पे वो उसको प्रॉपरली अटेंशन मिलती थी और वो सिचुएशन जो थी वो ज़्यादा काम थी. रैशनलाइजेशन, ये ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें पर्सन अपने बिहेवियर को रीइंटरप्रेट करता है ताकि उसको ज़्यादा एक्सेप्टेबल बना सके और ताकि उसका ये बिहेवियर उसको एज अ थ्रेट उसके सामने ना आ सके. इसमें हम एग्जांपल लेते हैं कि एक रॉबर है, वो रॉबरी करता है और उसके बाद वो अपने आप को दोबारा से सेटिस्फाई इस तरह से करता है कि मैं रॉबरी इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई एम फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस और मेरे पास और मेरे जो है मुझे इन बच्चों को भी फीड करना है. सो इट इज़ नॉट रॉन्ग टू रॉब समवन. और बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी बन जाता है कि जो रिच लॉट है अगर उसको रॉब किया जाएगा तो हमें इतना गुनाह नहीं होगा बिकॉज दे अर्न अ लॉट. सो इस तरह की रैशनलाइजेशन मतलब आप दोबारा से अपने ही बिहेवियर को रीइंटरप्रेट करते हो और अपने आप को जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते हो, तो ये रैशनलाइजेशन डिफेंस मैकेनिज्म कहलाता है. एंड द सेकेंड लास्ट इज डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली पर्सन डिस्प्लेस करता है या शिफ्ट करता है अपने इर इम्पल्सिस टूवर्ड्स लेस थ्रेटनिंग फ्रॉम द थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है. और इसमें साथ ये भी हो सकता है कि टूवर्ड्स द अवेलेबल वन, जो सामने मौजूद है उस पर अपनी एड इम्पल्सिस जो है वो शिफ्ट कर देना या अपना बिहेवियर जो है वो उसको शो करना. इसमें एग्जाम्पल आती है, एक फादर जो है वो बर्स्ट आउट होता है एट इवनिंग और शो एग्रेशन टूवर्ड्स देयर चिल्ड्रन आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम ऑफिस बिकॉज हिज बॉस हैड स्कोल्डेड हिम. अब बॉस के सामने क्योंकि अपना बिहेवियर तो शो नहीं हो सकता था, सो ही शिफ्ट और डिस्प्लेस हिज अग्रेसिव बिहेवियर टूवर्ड्स हिज चिल्ड्रन. और क्योंकि वहाँ पे वो अपने चिल्ड्रन को लेस थ्रेटनिंग कंसिडर करता है, वीक कंसिडर करता है और इसीलिए अपने इम्पल्सेस उनकी तरफ शिफ्ट कर देता है. सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट. एंड द लास्ट वन इज सब्लिमेशन, अ डिफेंस मैकेनिज्म दैट इन्वॉल्व अल्टरिंग और डिस्प्लेसिंग एड इम्पल्सेस बाय डाइवर्टिंग इंस्टिंक्चुअल एनर्जी इनटू सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स. एक पर्सन प्रॉपरली अपने इम्पल्सेस को अल्टर कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और अपनी इंस्टिंक्चुअल एनर्जी को सोशली एक्सेप्टेबल वे में इस्तेमाल करता है, जिसमें वो प्रॉपरली सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स परफॉर्म करना शुरू कर देता है. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन बाय बर्थ ही उसके अंदर हायर एग्रेसिव ट्रेट्स हैं और अब क्या करता है, वो अपनी इड इम्पल्सिस को अल्टर करता है और अपनी सारी की सारी एनर्जी इन्वेस्ट कर देता है स्पोर्ट्स में, जिसमें एग्जाम्पल मैंने दी है बॉक्सिंग में, बिकॉज स्पोर्ट इस ऐसी एक्टिविटी है जो सोशली
एक्सेप्टेबल भी है, यहाँ पे अपने एग्रेसिव बिहेवियर को उसने चैनल कर दिया और उनको अपने इस बिहेवियर को पॉजिटिव वे में, सोसाइटी के अकॉर्डिंगली एक्सेप्टेबल वे में इस्तेमाल कर रहा है और अपनी एनर्जी को अच्छी तरह से कंज्यूम कर रहा है। सो हम कह सकते हैं सब्लिमेशन एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें पर्सन अपने एयर इम्पल्सिस को आल्टर करता है और अपनी एनर्जी को सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स के फॉर्म में इस्तेमाल करता है। And that's all from today's topic, Defense Mechanisms by Sigmund Freud. Thank you so much for watching. And the next video topic is Psychosexual Stages of Development by Sigmund Freud. And if you want to get more grip over psychoanalytical approach, you have to watch the whole series on psychoanalytical approach. So, aap channel subscribe kar lein. The next series would be on another personality theory. Along with that, like and share this video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.